नमस्कार, मैं आरके सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग दीवा, मध्य प्रदेश। और आज हम बात करने वाले हैं MPPNST और जीनम के बारे में। तो ये देखने में आ रहा है कि बहुत सारी बच्चियां जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, लेकिन वो निराश हैं और उन्होंने फार्म इस कारण से नहीं डाला है कि इतने कम समय में हम तैयारी नहीं कर सक पाएंगे। तो बिल्कुल इस तरह की नेगेटिव बातों से दूर रहें। इस बार जो PNST या GNM का जो नया एग्ज़ाम पैटर्न आया है, उससे GK का आपका सिलेबस ज़रूर बढ़ा है, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का जो सिलेबस है वो आपका आधा हो गया है। जी हाँ, उससे जो 11th का सिलेबस था वो पूरी तरह से हटा लिया गया है। तो इतने कम समय में भी आप तैयारी कर सकते हैं। कुछ रणनीति है, हम बताने जा रहे हैं आपको, वो अपना लें। जैसे कि 12th का आपका जो सिलेबस है, तो उसको आप कुछ ना करें। आपने जो 12th में नवनीत जो आपकी गाइड आती है, तो उसमें काफ़ी बारीकी से वन लाइन फैक्ट दिए गए हुए हैं, उसको आप देख लें। उसमें आपके एक एक टॉपिक में करीब 40-40, 50-50 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको आप हल कर लें। और जहाँ तक GK की बात है, तो GK के लिए बिल्कुल आप निराश ना हो। हमारा नारा ही है कि GK को लेकर ना हो निराश, ज़ोरदार ढंग से करें प्रयास। तो हम इसे YouTube चैनल में आपको फ्री ऑफकास्ट आपके घर तक आपको GK क्लास दे रहे हैं। हमारी 3-4 क्लासें हो चुकी हैं और हमने ये भी डिसाइड किया है कि हम रात्रि के 10 से 12 तक अभी अपने इस चैनल में ही आपको लाइव क्लास देंगे। और हम 8 से 10 दिन में आपके जो GK के 3 पार्ट हैं आपके, जी हाँ, उसमें करंट अफेयर्स है, करीब 5 से 6 महीने का हम करंट अफेयर्स तैयार रखें। और जो परंपरागत GK है वो भी हम पढ़ाएंगे इसमें चैनल में। और MP GK तो हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लगवा रहे हैं, और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो फैक्ट आ रहे हैं उसका हम काफ़ी विश्लेषण भी कर रहे हैं। तो निसंदेह रूप से आप बिल्कुल निराश ना हो। और हम सभी बच्चियों को जिन्होंने फार्म नहीं डाला है नेगेटिव अप्रोच के कारण से, तो वो फार्म डाल दें। कल आपकी 14 अगस्त है, कल फार्म डालने की जो है वो अंतिम डेट है। और हम रीवा से बोल रहे हैं, मास्टर माइंड कोचिंग से। तो बहुत सारी बच्चियां जो रीवा है, आसपास के क्षेत्रों में, तहसीलों में हैं, तो उन्हें एग्ज़ाम देने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता था। सतना सेंटर मांगती थी, लेकिन सतना सेंटर उनको न मिल करके कभी कभी सागर में भी मिलता था, तो उनको एग्ज़ाम के पहले काफ़ी परेशान होना पड़ता था। तो उनके लिए खुशखबरी ये है, कईयों को तो मालूम होगा और कईयों को हो सकता है ये पता ना हो। तो इस बार बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी के प्रयासों से MPPNST का सेंटर जो है वो रीवा भी बनाया गया है। तो उनके लिए धन्यवाद। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जो है हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि हम इस संबंध में जो भी छोटी छोटी अपडेट आती है वो आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। अब कुछ बच्चे हमसे ये पूछ रही हैं कि सर, जो PNST 2022 का एग्ज़ाम हुआ था आपका, उसका रिजल्ट कब तक आएगा? तो मामला न्यायालय में है, इसलिए इसके बारे में अभी हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं। पूरी तरह से ये मामला न्यायालय के अधीन है और न्यायालय ही इसमें जो है वो कुछ न्याय संगत इन बच्चियों के हितों को देखते हुए जल्द ही कुछ निर्णय करेगा, यही हम आशा करते हैं। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। तो मैं RK सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा, नमस्कार, धन्यवाद।